क्या जिसे आपने ब्लेजर समझ के लिया था वो एक स्पोर्ट्स कोट तो नहीं? क्या मैं अपने सूट कोट को अलग से पहन सकता हूँ? आखिर ये डिफरेंस क्या होता है स्पोर्ट्स कोट और एक सूट कोट में? सो वेलकम टू वाइट वुल्फ गाइस, मेरा नाम जतिन है और आज हम मेंस फैशन के सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ सूट कोट, अ स्पोर्ट्स कोट एंड अ ब्लेजर। बहुत से लोग जो इस इंडस्ट्री में हैं उन्हें भी क्लियर आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली में इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, पर मैं आपको अपनी पूरी कोशिश करूंगा इस वीडियो में समझा पाऊं कि इन तीनों में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है। अब ये टॉपिक इतना कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि अगर आप इन तीनों को एक साथ देखें तो इनमें ज़्यादा फ़र्क नहीं लगता, बट छोटे छोटे की फैक्टर्स होते हैं जो इनको एक जैसा होते हुए भी यूनिक बनाते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं इन तीनों जैकेट्स को कैजुअल से लेके फॉर्मल तक एक स्पेक्ट्रम में क्लासिफाई करूंगा। तो सबसे पहले हमारे पास कैजुअल में जो आता है वो होता है स्पोर्ट्स कोट, बीच में कहीं आता है हमारा सूट कोट, और जो सबसे लास्ट में और जो सबसे फॉर्मल होता है वो होता है हमारा ब्लेजर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लेज़र की। ब्लेज़र सबसे फॉर्मल पीस ऑफ क्लोथिंग है बाकी दोनों में से। तो ब्लेज़र जो होता है इसमें कोई पैटर्न्स नहीं होते, एक सॉलिड प्लेन कलर से बना होता है, जनरली नेवी ब्लू। अब ब्लेज़र को ऐसा क्या है जो इन दोनों से अलग हट के दिखाता है? वो है हमारे मेटल बटन्स। मेटल बटन्स बटन्स बाकी सब में भी होते हैं, बट ब्लेज़र में मेटल बटन्स होते हैं। अब ब्लेज़र को कौन पहनता है? ब्लेज़र को वो लोग पहनते हैं जो एक अथॉरिटी होल्ड करते हैं एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, या एक वो रिस्पेक्टेबल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो दिखाते हैं एक ब्लेज़र के थ्रू। मतलब बेसिकली ब्लेज़र को एक यूनिफॉर्म की तरह पहना जाता है। फॉर एग्जांपल नेवी की यूनिफॉर्म हो गई, स्कूल की यूनिफॉर्म हो गई, या फिर भाग मिल्खा भाग में मिल्खा सिंह का कोट हो गया। ब्लेज़र का नाप देते वक्त मिल्खा ऐसे शर्मा रहा था जैसे किसी दुल्हन का जोड़ा सिल रहा हो। अब हम बात करते हैं अपने स्पोर्ट्स कोट की। स्पोर्ट्स कोट जो होता है वो सबसे कैजुअल स्पेक्ट्रम में आता है। स्पोर्ट्स कोट जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि 1900 में आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था। अब जो स्पोर्ट्स कोट होता है वो आपको अलग अलग कलर, अलग अलग पैटर्न और अलग अलग फैब्रिक में मिल जाएगा। स्पोर्ट्स कोट जो होता है सबसे कैजुअल होने के साथ साथ सबसे वर्सेटाइल भी होता है, क्योंकि इसको आप अपने चीनोज, अपने ट्राउजर्स, अपनी जीन्स के साथ, इनफैक्ट अपनी टी शर्ट के साथ भी पेयर कर सकते हैं, एंड सर्दियों में हुडीज़ के साथ आराम से पेयर कर सकते हैं। स्पोर्ट्स कोट जो होता है थोड़ा लाइट मटेरियल का बनाया जाता है, और जो उसकी फिटिंग होती है वो लूज़ रखी जाती है जिससे कि आपको लेयरिंग करने में आसानी हो। और मार्केट में जो आपको ब्लेज़र के नाम पे दिया जाता है जनरली वो स्पोर्ट्स कोट ही होता है। अब हम बात करते हैं सूट कोट की। तो सूट कोट और स्पोर्ट्स कोट में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। सूट कोट बस इतना होता है कि उसके साथ जो आपको ट्राउज़र मिलती है सेम कपड़े से बनी होती है। हमारा जो सूट होता है वो एक फाइनेस्ट क्वालिटी के कपड़े से बनाया जाता है, एंड मोस्टली फॉर्मल इवेंट्स में यूज़ होता है। बट आजकल लोगों ने उसे कैजुअली पहनना भी शुरू कर दिया, जैसे कि शर्ट की जगह टी शर्ट डालनी शुरू कर दी है, एंड फॉर्मल शूज़ की जगह स्नीकर्स डालने शुरू कर दिए। इसलिए मैंने जो अपने फॉर्मल से कैजुअल के बीच का जो स्केल बनाया था उसको उसमें सूट कोट को सबसे बीच में रखा था। आप लोगों के लिए एक बोनस टिप, जो आपका सूट कोट है और जो आपकी ट्राउज़र है उसको अलग अलग ना पहने, क्योंकि फिर जो आपका सूट कोट होगा और जो आपकी ट्राउज़र होगी वो अलग अलग फेड होगी, और जो आपके सूट की ओवरऑल लुक होगी, जो ग्रेस होगी आपके सूट की, वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि देखने में अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपको सूट कोट पहनना है या आपको सिर्फ कोट पहनना है तो आप सिर्फ ओवर कोट पहन लीजिए या फिर कोई और जैकेट डाल लीजिए, बट अपने सूट कोट को अलग से मत पहनिए। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे हमारे चैनल को बहुत हेल्प मिलेगी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वो जो बेल आइकन है ना साथ में उसको भी दबा देना, जैसे कि जब मैं अपलोड करूँ आपके पास सबसे पहले न्यूज़ पहुँचे। वैसे तो पता है कि ज़्यादा ऐसे कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही, पर भाई पूरी कोशिश करेगा कि आपके लिए पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो बनाए। अगर आपके पास कोई अपने स्टोरीज़ है कैसे आपको ब्लेज़र के नाम पे स्पोर्ट्स कोट बेचा गया, तो प्लीज़ उसको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था यही सेम चीज़। तो थैंक यू, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।